तो दोस्तों मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि आप किस तरह से अपने डेली शेड्यूल में से पाँच घंटे बचा सकते हैं अगर आप अपने टाइम को सही से मैनेज करें अपनी प्रायोरिटीज़ को मैनेज करें और उन पाँच घंटों को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी नई हॉबीज़ को डेवलप करने के लिए या कई या कोई नया स्किल सीखने के लिए और उन्हीं में से मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि वन ऑफ द हॉबी विच यू शुड स्टार्ट ट्राइंग राइट नाउ विच यू शुड स्टार्ट डेवलपिंग राइट नाउ इज रीडिंग बुक्स कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए तो बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि किताबें क्यों पढ़ें कि आज के टाइम पे जहाँ बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं ऑडियो बुक्स हैं पॉडकास्ट हैं बहुत कुछ अवेलेबल है वीडियो फॉर्मेट में तो हम बुक्स क्यों पढ़ें तो उसी का जवाब देने के लिए मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ चार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स हालांकि बेनिफिट बहुत है बुक पढ़ने के लेकिन इन चार रीजंस के साथ अगर आप बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो मे बी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अपनी बुक रीडिंग हैबिट को या हॉबी को डेवलप करने के लिए और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जो मेजर बेनिफिट है वो है बुक रीडिंग हेल्प्स यू इक इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आप उस बुक के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें जो सिनेरियो को डिफाइन किया गया है आप उनको अपने ही हिसाब से अपनी इमेजिनेशन से खुद क्रिएट करते हैं अपने माइंड में तो ये आपको हेल्प करता है अपने हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज़ करने में और दूसरी तरफ अगर आप किसी वीडियो को देखते हैं तो उस वीडियो में जो भी आप ग्राफिक्स देखते हैं जो भी आप किसी कैरेक्टर के फीचर्स देखते हैं जो भी आप सिनेरियो देखते हैं वो उस क्रिएटर की क्रिएटिविटी है वो उस क्रिएटर की इमेजिनेशन है जिसमें हम यही बिलीव करते हैं कि यही रियलिटी है लेकिन जब आप बुक पढ़ते हैं तो आप अपनी रियलिटीज अपनी इमेजिनेशन खुद से क्रिएट करते हैं और बुक रीडिंग आपको बहुत मदद करती है इमेजिनेशन को बढ़ाने में क्रिएटिविटी को बढ़ाने में राइट right? और नंबर दूसरा दूसरा बेनिफिट जो है इट हेल्प्स यू टू गेट इनटू द कन्वर्सेशन विद द मोस्ट ब्रिलियंट पीपल इन द वर्ल्ड क्योंकि मेरे लिए बुक पढ़ना एक कन्वर्सेशन है विद द मोस्ट सक्सेसफुल मोस्ट ब्रिलियंट पीपल और वन टू वन कन्वर्सेशन होता है उस ऑथर के साथ जिसने वो किताब लिखी है क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हैं तो आप उस इंसान की उस ऑथर की सक्सेस स्टोरीज उसकी रिसर्च उसके फेलियर्स उसके एक्सपीरियंस उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानते हैं और जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने सुबह सुबह एक बुक पढ़ी और उस बुक के साथ आपको एक नया आइडिया मिला और उस आइडिया के साथ अपने आपने पूरा दिन स्पेंड किया आपको सक्सेस मिली इट कैन नॉट गेट बेटर यू शूड स्टार्ट योर डे विद अ कन्वर्सेशन विद वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एंड सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड सो स्टार्ट रीडिंग बुक्स एंड नंबर थर्ड नंबर तीसरा बेनिफिट जो है वो है इट हेल्प्स यू इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स अब बहुत से लोग बोलते हैं कि वॉच इंग्लिश वीडियोज़ इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज या आपको अगर अपनी वकीबुलरी इंप्रूव करनी है तो हॉलीवुड मूवीज़ को देखिए लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपको अपनी वकेबुलरी इंप्रूव करनी है तो आप बुक्स पढ़िए क्यों क्योंकि जब भी आप मूवी देखते हैं तो हम कभी भी मूवी को पॉज करके उस एक स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग नहीं ढूंढते ना ही हम पॉडकास्ट सुनते वक्त उस पॉडकास्ट को पॉज करते हैं और उस वर्ड का मीनिंग ढूंढते हैं हम जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग ये होगा लेकिन जब आप बुक पढ़ते हैं अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम है आप उसको अंडरलाइन करते हैं और मे बी आप बाद में वापस आकर उस वर्ड का मीनिंग ढूँढें तो इससे आपको बहुत मदद मिलती है अपनी इम्प्लूश अपनी इंग्लिश या अपनी कोई भी लैंग्वेज के वोकेबुलरी को इम्प्रूव करने में तो ये है तीसरा बेनिफिट और चौथा बेनिफिट जो मैं समझता हूँ कि रीडिंग बुक्स हेल्प्स यू चैलेंज योर ओन ओल्ड सेल्फ बिलीव्स राइट हम बहुत सी चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं बिना पढ़े बिना जाने या लोगों से सुने सुनकर जो कि एक्चुअल में सच नहीं होती हैं उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है लेकिन जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो मे बी आप उन खुद के जो सेल्फ़ बिलीव्स हैं उनको चैलेंज करेंगे और जब आप चैलेंज करते हैं तो आप नए बिलीव्स डेवलप करते हैं नई चीज़ें सीखते हैं नया फिलासफ़ी नया माइंड तो ये हैं चार बेनिफिट्स जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बुक पढ़ने के साथ एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसके साथ अपनी जो बुक रीडिंग की हैबिट है उसको स्टार्ट करेंगे और आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि बुक्स को कैसे पढ़ना है कैसे अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है और कैसे बुक्स को चूज करना है या सिलेक्ट करना है सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर हैविंग मी एंड आई होप दैट यू वुड बी एबल टू रीड मोर बुक्स एंड डोंट फोरगेट टू लर्न अप्लाई एंड शेयर विदर्स